वेलकम गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस, हमने जो अपनी ज्योग्राफी सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें हम लोग आज आपका जो लास्ट वीडियो हमारा रहा था उसमें हमने आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में, साथ ही साथ दो कॉन्टिनेंट्स को हमने थोड़ा डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फर्दर जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, तीन और कॉन्टिनेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ वो उनकी जो फिजियोग्राफी है काइंड ऑफ, जैसे वहाँ से कौन सा रिवर बह रहा है, कौन सा माउंटेन्स वहाँ पर पाए जाते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है, आज हम इस वीडियो में वो कवर अप करने वाले हैं। सो गाइज, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपनी नोटबुक जो है उस पर नोट डाउन कीजिए जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है आपके जो आप कॉन्टिनेंट्स के बारे में, उनको लिखते जाइए ताकि वो आपको हेल्प कर सके आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले गाइज, इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया हो। तो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले साउथ अमेरिका के बारे में, उसके बाद हम लोग जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है उसको डिस्कस करेंगे एंड देन लास्ट में हम लोग यूरोप के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अगर स्टार्ट किया जाए आपके साउथ अमेरिका के बारे में, तो साउथ अमेरिका की बात की जाए गाइज, तो साउथ अमेरिका जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इस वर्ल्ड का, इस दुनिया में चौथे नंबर पर है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। पहले पे कौन है गाइस? एशिया, याद रखिएगा। अच्छा, इसके अगर मैं देखूं तो ये सिचुएटेड कहां पर है, कैसे बाउंडेड है ये, तो मान लीजिए ये आपका सर्कल जो है ये साउथ अमेरिका है। अगेन गाइस, यहां पर क्या है, हमेशा ऊपर वाली तरफ नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, इस तरफ ईस्ट होगा और इस तरफ वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, इसके वेस्ट में क्या है गाइस, अटलांटिक ओशन। तो वेस्ट कहां है, यहां पर है, तो इसके यहां पर क्या है, अटलांटिक ओशन है, ठीक है। साउथ ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, और इसके साउथ में क्या आता है आपका, नॉर्थ अमेरिका आता है, जो हमने लास्ट वीडियो में जिसको डिस्कस किया था, यहां पर क्या आता है आपका, नॉर्थ अमेरिका आता है, ऐसे करके लिखिए इसको, ठीक है। एंड नॉर्थ सॉरी ईस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, और ईस्ट में क्या है, यहां पर पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन। एंड नॉर्थ में क्या है गाइस, यहां पर क्या है आपका, एंटार्क्टिका। तो इस तरीके से आपका जो साउथ अमेरिका है वो घिरा हुआ है, जिसके वेस्ट में आपका आता है अटलांटिक ओशन, ईस्ट में आता है पैसिफिक ओशन, साउथ में आता है नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ में आता है आपका एंटार्क्टिका रीजन, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई हो। बात की जाए गाइज के साउथ अमेरिका के टोटल कंट्रीज कितनी है वहां पर, तो नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो 14 है, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, अपने कोई भी सोर्सेज जो, क्योंकि अलग अलग बुक्स पर इनके बारे में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सोर्सेज से देखो, जितने भी इंटरनेट सोर्सेज हैं उनमें 14 कंट्रीज ही बताई हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहा है, अब द लार्जेस्ट अमेज़न क्या है, रिवर है, यहाँ का साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा जो रिवर है वो है अमेज़न, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड टू। याद रखिएगा गाइज, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर भी अमेज़न ही है जो फ्लो करता है साउथ अमेरिका में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्या बोल रहा है ये, कि अमेज़न जो रिवर है वो फ्लो करता है साउथ अमेरिका में और साउथ अमेरिका का वो सबसे बड़ा रिवर है, लेकिन साउथ अमेरिका का तो है ही है, लेकिन ये वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा रिवर माना जाता है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है वो है एंजल फॉल, इसको भी याद रखिएगा, बहुत सारे पेपर में पूछा गया है। एंजल फॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल और इन वेंजुला, कहां पर है ये, वेंजुला में है गाइस, ठीक है। वेंजुला कहां है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। फर्दर अगर आप इसको और अच्छे से देखना चाहते हो तो एंजल फॉल जो है वो है ओरिनोको रिवर है एक, उसके ऊपर जो है ये एंजल फॉल बनता है, ठीक है। सो हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज एंजल फॉल, सिचुएटेड इन वेंजुला, वेंजुला कहां है, साउथ अमेरिका में है, और ये कौन सी रिवर पर है, ये है ओरिनोको रिवर के ऊपर, ठीक है गाइस, इसको भी आपका
इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे फ्रेश हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक जिसका नाम है टिटिकाका, याद रखिएगा टिटिकाका जो है फ्रेश वाटर लेक है, सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका और कहां पर, बोलोविया में, याद रखिएगा बोलोविया जो है पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, वहां पर ही आपकी दुनिया की फ्रेश वाटर लेक जिसका नाम है टिटिकाका सिचुएटेड है गाइस, ठीक है। सो क्या तीन चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है आपका, अमेजोन रिवर, एंजल फॉल और आपका टिटिकाका फ्रेश वाटर लेक। उसके बाद गाइस अगर इनके मेजर साउथ अमेरिका के मेजर डेजर्ट्स की बात की जाए तो आटाकामा शियर में है एंड पेंटागोनिया जो है वो अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया का नाम आपने सुना ही होगा, अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हो तो बेयर गिल्स जो मैन वर्सेस वाइल्ड है वो अक्सर कहता है कि मैं आज पेंटागोनिया के डेजर्ट्स में फंसा हुआ हूं, कैसे आप यहां से निकलते हो, है ना। सो गाइस ऐसे इसको याद रखिएगा। सो पेंटागोनिया जो है अर्जेंटीना में है एंड आटाकामा जो है आपका शियर में पाया जाने वाला डेजर्ट है और ये दोनों कहां पर है गाइस, आपके साउथ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको। चलिए नेक्स्ट, अगर बात की जाए आपके साउथ अमेरिका के हाईएस्ट पीक की, कभी कभी पेपर में हाईएस्ट पीक के बारे में भी पूछते हैं, तो हाईएस्ट पीक क्या है गाइस वहां की, माउंट अकनकागुआ, ठीक है, माउंट अकनकागुआ, ठीक है, ये इसकी हाइट कितनी है 6,959 मीटर इसकी हाइट है। साथ ही साथ गाइस एक चीज क्या है, अब देखो यहां पर डेजर्ट है ना, ये जो आपका ये वाला अटाकामा जो डेजर्ट है ना, इस डेजर्ट को क्या कहा जाता है गाइस, इसको याद रखिएगा, ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ये दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, ठीक है, और ये कहां पर है, इक्विपी में है, इक्विकी इन अटाकामा एक जो डेजर्ट है उस पे इक्विकी एक जगह का नाम है जो दुनिया का ड्राइएस्ट प्लेस माना जाता है, ठीक है, इसको भी ऐसे याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो आपका साउथ अमेरिका है उसमें ब्राजील भी पाया जाता है, ठीक है ना, ब्राजील कंट्री है और ब्राजील की बात की जाए तो ब्राजील को एक टाइटल दिया गया है जिसको, ब्राजील को क्या कहा जाता है, आपका कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दुनिया में कॉफी प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है, इसलिए इसको कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज ब्राजील, ठीक है, समझ आ गई, आई होप कि आप समझ आ गई है। तो चलिए नेक्स्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है गाइज आपका एशिया। एशिया के बारे में तो आपको बहुत सारी चीजें पता भी होंगी क्योंकि हम लोग उसी का तो पार्ट है। सो एशिया की बात की जाए तो लार्जेस्ट ऑफ द सेवन कॉन्टिनेंट, सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा है, एरिया वाइज भी सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन वाइज भी ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कंपेरिजन ऑफ इसमें तकरीबन 48 कंट्रीज जो हैं वो लाइज करती हैं, लाई करती हैं इसमें 48 कंट्री जो है वो एशिया में जो है रहती हैं। अच्छा गाइज अब देखिए ये क्या कह रहा है कि इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप, यूरोप प्लेट से एशिया का कॉन्टिनेंट या यूरोप कॉन्टिनेंट और जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है वो बीच में से एक दूसरे से अलग कहां पर होते हैं, उन दोनों को अलग करता है उल माउंटेन्स, ये गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेगा, उल माउंटेन जो है, उल माउंटेन वो माउंटेन है जो यूरोप को सेपरेट करते हैं इन द वेस्ट, किससे, एशिया से अलग करते हैं। अब बात की जाए अगर आपके एशिया कॉन्टिनेंट की तो एशिया कॉन्टिनेंट कैसे बाउंडेड है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में ये क्या कह रहा है, बाउंडेड बाय आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, यहां पर क्या है गाइस आपका नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, ठीक है, आर्कटिक ओशन नॉर्थ में है, इंडियन ओशन इन द ईस्ट और यहां पर है इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन इन द ईस्ट एंड मेडिटेरियन सी इन द साउथ वेस्ट, और इस पूरे में जो है वो क्या है आपका आता है, क्या कौन सा वाला आपका मेडिटेरियन सी आता है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, तो ये ऐसे घिरा हुआ है पूरा चारों तरफ से। हाईएस्ट पॉइंट की बात की जाए आपके एशिया की तो वो आता है माउंट एवरेस्ट, ये तो आपको पता ही है, हाइट है उसकी 8,848 मीटर और लोवेस्ट पॉइंट है इसका डेड सी गाइस, याद रखिएगा डेड सी इज द लोवेस्ट पॉइंट जो 395 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द सी के अंदर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस देखी जाए तो आपको इनको डिटेल में हम लोग पढ़ना ही है अगले जब हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे उसमें ये आ ही जाएगा, तो इसमें हिमालयाज है, काराकोरम है, हिंद कुश है, एल्ब्रूज है,
कस्कुअस का है, पैमीर्स है, कुल्लुंग है, उर्ल्स एक्सेट्रा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं। हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो गाइज आपका जो एवरेस्ट K2 को हम लोग दूसरा किस नाम से जानते हैं, गॉडविन अस्टिन, इसको भी इस नाम से भी जाना जाता है। तो गॉडविन अस्टिन जो है वो पीक यहां पर पाई जाती है, कंचनचुंगा जो है वो यहां पर पाई जाती है, जहां पर देखिए एवरेस्ट की बात की जाए तो 8848 मीटर पर है। K2 कंचनचुंगा की बात की जाए तो 8611 मीटर पर है। कंचनचुंगा की बात की जाए तो 8598 मीटर इसकी हाइट है। ये है इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पीक ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, समझ आ गई चीज, बिल्कुल छोटा है एशिया कॉन्टिनेंट। कंट्रीज याद रखिए, कैसे सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से वो याद रखिए, कैसे घिरा हुआ है वो याद रखिए। हाईएस्ट पॉइंट आपको पता है, लोवेस्ट पॉइंट डेड सी है, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ये हैं, और हाईएस्ट पीक्स आपकी ये वाली आ जाती हैं आपके एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। तो नेक्स्ट आ रहा है गाइज आपका अबाउट यूरोप। यूरोप की बात की जाए तो इट इज सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री कॉन्टिनेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। जो आपका यूरोप है वो सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। इसमें अगर ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो तकरीबन 50 कंट्रीज वहां पर यूरोप में पाई जाती हैं, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर। और यूरोप कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो इसको भी अगेन एक डायग्राम ड्रा कीजिए, यहाँ नॉर्थ लिखिए, यहाँ ईस्ट लिखिए, यहाँ वेस्ट लिखिए, यहाँ साउथ लिखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कह रहा है। आर्कटिक ओशन जो है इसके नॉर्थ में है, बिल्कुल ऊपर आर्कटिक ओशन है, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी इन द साउथ, साउथ में इसके दो समुंदर टच कर रहे हैं, इसको सी टच कर रहे हैं, दैट इज नॉर्थ एंड ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, और अटलांटिक ओशन इसको वेस्ट में टच कर रहा है, एंड उल माउंटेन जो है, उल माउंटेन इसको ईस्ट में जो है वो टच कर रहे हैं यूरोप के कंट्री को। जब आप अगर मैप देखोगे तो मैप में आपको ये चीजें बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी, ऐसे भी समझ आ ही जाएगा, लेकिन अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप ज्योग्राफी जब भी पढ़ते हो तो मैप लेकर पढ़िए, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो मिलेगी। गाइज एक बात इसमें आपने याद रखनी है कि अफ्रीका से जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो सेपरेट होता है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ द गिब्राल्टर। याद रखिए गिब्राल्टर एक जगह नाम, लेटर एक जगह का, जगह का नाम है या काइंड ऑफ एक स्ट्रेट है वो, जहां से ये दोनों, जैसे इंडिया और श्रीलंका देखते हैं ना, उसमें भी एक है पल्क ऑफ स्ट्रेट, तो वैसे ही यहां पर है ये स्ट्रेट ऑफ द गिब्राल्टर जो है एक जगह है जिससे यूरोप का और अफ्रीका एक दूसरे से आगे अलग होते हैं। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की बात की जाए यूरोप के तो अल्प्स, अपेनीज, बैल्कन्स, कारपेंटीज, कैस्कोस, पैरनीज, वोल्गा एक्सेट्रा जो है पार्ट है इंपॉर्टेंट माउंटेन के, कहां पर, आपके यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर। हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो अल्ब्रूस है, ठीक है, अल्ब्रूस जिसकी हाइट 5633 मीटर है। मेजर रिवर्स की बात की जाए जो आपके यूरोप में बहती हैं तो वो है दनुबी, डनपर, डॉन, एल्ब, पो, राइन, थेम्स, ट्रिबर, वोल्गा, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं आपके यूरोपियन कंट्रीज की। यूरोपियन कंट्रीज में एक दुनिया की सबसे छोटी कंट्री बोथ इन एरिया वाइज एंड बोथ इन पॉपुलेशन वाइज लाई करती है, जो हमारे यहां पर जितनी हमारी स्टेट है, है ना, इंडिया में स्टेट्स होती है ना, यूपी, बिहार ऐसे काइंड, उससे भी छोटी है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा गाइज इस बात को, दुनिया की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है आपकी, वेटिकन सिटी, और दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है ये आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताओगे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है और सबसे छोटी, तो मैंने आपको बता दिया वेटिकन सिटी है। ठीक है गाइज, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसमें के आपके कॉन्टिनेंट के फिजियोग्राफी प्लस उसके ड्रेनेज और प्लस उसका जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग आपको करवा रहे हैं।
आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई हो। इसमें पूरा जितना भी मैंने आप चीज़ें आपको बताने की कोशिश की हो, आपको वो चीज़ें जो हैं समझ आ गई हो। नहीं भी आता है कोई इशू नहीं है गाइज, इसके बाद हम लोग तो क्वेश्चन सीरीज लेकर आने ही वाले हैं, उसमें भी आपका जो है वो रिवीजन का पार्ट हो जाएगा। लेकिन गाइज इनको एक बार ध्यान से पढ़िए, ठीक है, ध्यान से इसको पढ़िए, ताकि जब हम लोग आपके लिए लेक्चर सीरीज लेकर आएँ तो वो भी आपके लिए, जो क्वेश्चन सीरीज सॉरी, तो वो लेकर आएँ तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे, आपको उसमें ढेर सारी रिवीजन करने का मौका मिले और आपका एग्जाम जो है वो आराम से जो है वो पास हो जाए, यही हमारी भी उम्मीद आपसे है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, कुछ और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद जेके एग्जाम क्रैकर एंड थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।